आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम आशा करते हैं कि पीछे का सेशन जो भी हम वीडियो बनाए हैं सब वो आप देखते आए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। पीछे के सेशन में बताते बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट, अकाउंट के अंदर में बेसिक टर्म सब के बारे में हम आपको बताए थे। आप उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए टैली प्राइम के अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है या आप कहिए खातों का वर्गीकरण। अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इस तरह का हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण। फिर से हम एक बार आपको डिफिनेशन बताते हैं कि खाता होता क्या है, व्हाट इज अकाउंट्स, या हमने लिखा है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, खाता का अर्थ या खाता होता क्या है। तो हमने लिखा है खाता वह विवरण है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित लेन देन को लिखा जाता है, लेन देन वस्तु एवं आय व्यय से संबंधित हो सकते हैं, ये आपका खाता का अर्थ हुआ या खाता हुआ। और इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम लिखते हैं कि खाता मुक्त दो प्रकार का होता है। आप कह सकते हैं कि खाता कितने प्रकार के होते हैं, तो खातों के भेद लिखे हैं कि खाता आपका दो प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता तथा अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता को इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट बोलते हैं और अव्यक्तिगत खाता को हम लोग इंग्लिश में इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। हमने लिखा है कि इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। अब इसी खाता का वर्गीकरण हम आपको यहाँ पे करके बताए हैं, ये खाता कितने प्रकार का होता है, किस तरह से आपका काम करता है। तो खाते और अकाउंट्स हमने लिखे हैं, ये पर्सनल अकाउंट्स और ये पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता दो भाग होता है। पर्सनल अकाउंट का फिर दो भाग हो गया, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स। डेबिटर्स का मतलब हो गया देनदार, क्रेडिटर्स का मतलब हो गया लेनदार। फिर इधर आइए, इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे दो भाग में बांटे हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट आपका दो भाग हो गया, टेंजेबल और इनटेंजेबल, मूर्त या अमूर्त हम लोग जिसको बोलते हैं। और फिर हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस व्यय, लॉस, इनकम और गेन। तो इस तरह से हम लोग खाता को वर्गीकरण कर सकते हैं, ये खातों को किस रूप से हम लोग बांटते हैं या देखते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके आगे आपको बताएंगे, ये पर्सनल अकाउंट हम लोग किसको बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता क्या होता है। तो व्यक्तिगत खाता व्यक्ति, फर्म, निगमों, संस्थाओं तथा कंपनियों से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। किसी भी पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल नाम हो गया या किसी संस्था हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, इस तरह के खाता जो आपके पास होता है हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है संजीव का खाता, पब्लिक फैंसी वस्त्रालय का खाता, दास एंड ब्रदर्स का खाता, बिहार आयरन स्टील्स का खाता, राम प्रसाद एंड सन्स का खाता, बैंक का खाता, बीमा कंपनी का खाता, यदि इस तरह का खाता अगर आपके पास है तो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। हमने लिखा है व्यक्ति की स्थिति देनदार अथवा लेनदार की हो सकती है, यानी डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की हो सकती है, पाने वाले तथा देने वाले व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते होते हैं। फिर हमने व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में हमने बांटा है। ये देखिए नीचे में हमने लिखा व्यक्तिगत खाता आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम का मतलब हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट या प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या होता है या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, व्यवसाय के स्वामी का खाता माल या नगद देने वाले का खाता, माल या नगद पाने वाले का खाता, जैसे संजीव का खाता, अजय का खाता, राम का खाता, ये आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। फिर आइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कंपनियों के खाते, बैंक खाता, बीमा कंपनी के खाते, किसी संस्था के खाते, फर्म के खाते, सरकार का खाता आर्टिफिशियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा बारी आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे प्रतिनिधित्व खाता कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक साथ किसी भी चीज़ का अलग अलग खाता का रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग प्रतिनिधित्व खाता कहते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि खाता के नाम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमारा नेचुरल पर्सनल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है और रिप्रेजेंटेटिव खाता क्या है। तो व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व खाता के बारे में आपने जाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के खाते का कुछ उदाहरण हम यहाँ बनाए हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, इंश्योर्ड इनकम अकाउंट। ये हम आपको उसका कुछ उदाहरण देके आपको समझाएं कि प्रतिनिधि खाते के अंदर में कौन कौन सा खाता आपको आएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसमें हम आपको बढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खातों को छोड़कर अन्य सभी खाते और व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित हो, इम्पर्सनल अकाउंट कहलाता है। फिर हमने यहाँ पे बताया कि इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक रियल हो गया, और ये दो प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट हम लोग बोलते हैं। तो रियल अकाउंट वास्तविक खाता हो गया, तो ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कैश कहिए या रोकर कहिए, माल हो गया, फर्नीचर, यंत्र, स्टॉक, भूमि, भवन, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ख्याति आदि आपका रियल अकाउंट कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा रियल अकाउंट दो प्रकार का होता है, टेंजेबल रियल अकाउंट मूर्तवान या मूर्त वास्तविक खाता, इनटेंजेबल रियल अकाउंट अमूर्तवान या अमूर्त वास्तविक खाता। इस तरह के हम लोग रियल अकाउंट हम लोग बांटते हैं दो भाग में। तो हमने यहाँ पे लिखा है रोकर माल, भूमि भवन उपस्कर आदि मूर्तवान वास्तविक खाते हैं, क्योंकि इनका वास्तविक आकार प्रकार है, इन्हें देखा या इनका मापन हो सकता है। ठीक, हमने लिखा क्रय विक्रय हो सकता है, परंतु ख्याति, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट खाता आदि अमूर्त वास्तविक खाते हैं, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, सभी संपत्तियाँ वास्तविक खाते से संबंधित होती हैं। तो ये हमारा मूर्तवान खाता और अमूर्तवान खाते के प्रकार हुए। अब थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलते हैं, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता आपका क्या होता है। तो अवास्तविक खातों को नाम मात्र आय व्यय खाता भी कहा जाता है। ये खाते व्यापार के व्ययों एवं आयों अथवा लाभ हानि से संबंध रखते हैं, जैसे मजदूरी, वेतन, किराया, कमीशन, बट्टा, ऋण, ब्याज आदि। इन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है या देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ये अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं। तो हमने नॉमिनल अकाउंट के बारे में जाना कि वैसे खाता जो लाभ हानि से संबंध रखते हैं, व्यापार एवं आय से लाभ हानि से संबंध रखते हैं, आपका नॉमिनल अकाउंट कहा जा सकता है। अब इस प्रकार हमने देखा, तो कुछ हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताए हैं कि कौन सा खाता आपका पर्सनल अकाउंट होगा, कौन रियल होगा और कौन आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। तो हमने लिखा है नेम ऑफ द अकाउंट्स पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल इन ट्रांजेक्शन्स।
तो पर्सनल अकाउंट में आपका व्यक्तिगत खाता में कैपिटल हो जाएगा, ड्रॉइंग हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, मोहन ट्रेडर्स, ये सोनू लिमिटेड बैंक और बैंक लोन, ये हमारा पर्सनल अकाउंट आएगा। हम इसके ऊपर में इस सब के बारे में बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल दे के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको हम डिटेल करके यहाँ बता रहे हैं। फिर रियल अकाउंट आइए, वास्तविक खाता, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मोटर हो गया और गुड्स आ गया, ये आपका रियल अकाउंट कहलाता है। फिर नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक खाते हो गए, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, वेजेज, परचेज, सेल्स, रेंट एंड सैलरीज, इस तरह के अकाउंट में हमने कुछ आपको क्लासिफिकेशन बांट के बताया कि कौन कौन मेरा पर्सनल होगा, कौन रियल होगा, कौन आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये आज के सेशन में हम लोग जाने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इसको किसको बोलते हैं, कौन कौन सा खाता होगा, ये इस तरह का हम एक फिगर बना के आपको बताएं कि खाता के अंदर में पर्सनल, इंपर्सनल, डेबिट क्रेडिटर्स, रियल, नॉमिनल, ये क्या होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में खाता क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम लोग किसको कहते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तब तक इसको लिखिए और उसको समझिए, तब तक हम नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।